क्लास 12 फिजिक्स में इस बार सिर्फ दो दिन की छुट्टी मिला है। इन दो दिनों में हम 15 चैप्टर कैसे करें? पार्ट 1 में 8 चैप्टर, फिजिक्स पार्ट 2 में 7 चैप्टर, इन टोटल को मिला के 15 चैप्टर। हम इन 15 चैप्टर को कैसे करें बस दो दिन में? तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर जानना है तो वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स क्लास 12 की प्रिपरेशन दो दिन में कैसे करना है। मैंने भी पिछले साल फिजिक्स के क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम को दी है, वो भी एक दिन में। बता दूँ कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में जो पिछले बार रूटीन था उसमें फिजिक्स के लिए सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी। पिछले बार एग्जाम शुरू हुआ था 5 मार्च को हुआ था हमारा इंग्लिश, उसके बाद 6 को छुट्टी था और 7 को हमारा फिजिक्स हुआ था। तो दोस्तों, हमने भी एक दिन में आप ही कितना चैप्टर पढ़ा था और मुझे 90 मार्क्स आए थे, जो कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, लेकिन ठीक है, मार्क्स अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मैंने 90 मार्क्स लाए थे तो मैंने कुछ तो स्ट्रैटेजी अपनी बनाई होगी, और मैंने क्या सोचा था उसके एक दिन में, मैंने क्या कर पाया था उसे एक दिन में, मैंने रात भर जग के पढ़ाई की थी या मैंने छोड़ दिया था कि मैं नहीं, मेरा तो पहले से प्रिपरेशन है, या मैंने कुछ कुछ प्रिपेयर किया था, बाकी अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश की थी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के जवाब देते चलूँगा इस वीडियो में, जारी रहिए। तो बता दें कि फिजिक्स पार्ट 1 में आपका 8 चैप्टर है। आपका चैप्टर जो शुरू होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हुआ। ये तीन चैप्टर जो पहले तीन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये ईजी है। इसके बाद मैग्नेटिज्म के हाथ में चले तो आपका है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपका जो तीन चैप्टर है वापस ही मैग्नेटिक्स है, और ये भी इंपॉर्टेंट और ये भी आसान है। इनमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, चाहे आपका आधा घंटा ही छुट्टी क्यों ना मिला हो। मैं बात कर रहा हूँ अगर आपको दो दिन छुट्टी मिले, तीन दिन छुट्टी मिले, एक दिन छुट्टी मिले, आधा दिन छुट्टी मिले या आधा घंटे की छुट्टी मिले, इन चैप्टर को रिविजन करिए जाना है। फिर आपका आता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जो है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो मैं आपको ये तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर किया था, पर इतना बता दे रहा हूँ कि इन चैप्टर को नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें मेरा मार्क किया हुआ है कि ये सब इंपॉर्टेंट था, मैंने पढ़ाया क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आप बेसिकली थोड़ा याद करके जाने की कोशिश कीजिए। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो माइंड ट्विस्टिंग होता है, इसको थोड़ा ट्विस्टर बोला जाता है क्वेश्चन को, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और आता ही है। फिर उसके बाद पार्ट टू में आया तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये और इसके बाद वाला वेव्स ऑप्टिक्स, ये थोड़े टफ तो नहीं बोलेंगे, अच्छे तो है, और इनसे थोड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं। पिछले बार मुझे याद है 2 क्वेश्चन 3 मार्कर्स के आए थे और वो थोड़े हार्ड थे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, आप अगर पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये लगभग आपको इसमें थिंग्स को याद करने हैं, आपको समझने हैं और याद करने, ज़्यादा याद करने हैं। फिर उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी याद करके जाना है, मैं याद करके जाना है तो मैं लगभग बोल रहा हूँ रटना है, ये सब चीज़ को रटना है, जिसमें फिर से बोल दूँ रटने वाले चैप्टर को, कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स को। फिर चले आपके एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और पार्ट वन में चले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सबको रटना है, ये आपको दो दिन में यही काम करना है। मैं आपको स्ट्रैटेजी तो नहीं बता सकता कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई किया था, कितना टाइम लिया था, पर मुझे याद है जब एक दिन का मुझे टाइम मिला तो मैं इंग्लिश देके आया और शाम 5 बजे से मैंने पढ़ाई शुरू की, 10 बजे रात तक मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं सो गया। अपने दिमाग को मैं शांत भी रखने की कोशिश कर रहा था कि एक दिन है सब उसमें, क्योंकि आप बता रहे एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, मेरा फिजिक्स तो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा फिजिक्स अच्छा ही गया था। फिर दूसरे दिन मैंने सुबह ही उठ के पढ़ाई शुरू कर दी 6 बजे, और मैंने ये सब चैप्टर्स को कवर किया। ऐसा नहीं था कि नहीं ये चैप्टर हार्ड है, ये ऐसा नहीं सोचा कि ये चैप्टर तो मैंने पहले तक कर रखा है तो उसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब चैप्टर्स को किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पिछले साल से इस बार ज़्यादा छुट्टी मिला है, एक दिन ज़्यादा छुट्टी है, तो आपको इस बार डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने हैं। अब पिछले बार जब लोग फिजिक्स में 99 मार्क्स ला सकते हैं, फिर बहुत लोगों ने लाया एक दिन में, तो हम तो दो दिन में उससे ज़्यादा 100 मार्क्स लाएंगे, इस बार फुल मार्क्स लाएंगे, तो आपको एकदम घबराना नहीं है। और फिजिक्स में याद रखिए, आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है और कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, सब क्वेश्चंस को करके आना है। क्या क्या किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा नहीं, के लिए ये चैप्टर तो मैंने पढ़ के ही नहीं आया, फिर भी कुछ भी मार दिया, कुछ तो फॉर्मूला याद होगा, कुछ तो टर्म से रिलेटेड याद होगा, वही टर्म लिख दीजिए, आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, फिजिक्स में घबराना नहीं है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है सब चैप्टर्स को पूरे, आपको पार्ट वन और पार्ट टू को आप आधे आधे दिन में डिवाइड कर दीजिए, उन्हें पढ़िए, फिर नेक्स्ट दिन रिविजन कीजिए और अच्छे पिछले साल के पेपर्स को उससे क्वेश्चन को बना के जाइए। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई सब्जेक्ट और ऐसे ही चाहिए मैथ्स, उसके बारे में तो मैं मैथ्स के बारे में आपको बता सकता हूँ, उसमें मेरी अच्छी पकड़ थी। इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों।